कटनी में इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस ने छापा मारकर इस्पात सेंटर से दो युवक सहित चार युवतियों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए युवक युवतियों से पूछताछ की जा रही है। महिला थाना को खबर मिली थी कि इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा है। प्रभारी मधु पटेल के निर्देशन पर गोल्डन इस्पात सेंटर पर छापामार कार्रवाई की गई। महिला थाना प्रभारी मधु पटेल ने बताया कि लगातार हमें सूचना मिल रही थी कि इस्पात सेंटरों में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। सूचना के आधार पर हमने गोल्डन इस्पात सेंटर में कार्रवाई की और वहां से दो लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। इसके साथ ही अन्य महिला पुरुषों को भी हिरासत में लिया गया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लगातार हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो इस्पात सेंटर है उन इस्पात सेंटर में अनैतिक कृत्य किया जाता है, जिसकी आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर रेड कार्रवाई की गई। जो गोल्डन इस्पात सेंटर पर एक पुरुष और एक महिला रूम नंबर 3 में अनैतिक कृत्य करते हुए पाए गए, वहाँ पे 3 अन्य महिलाएं थीं, एक पुरुष था, जिन्हें मौके पर थाना जांच हेतु लाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी City, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।